हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न टुगेदर। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिंदी ग्रामर, दैट इज़ वचन। ये हमारे क्लास टू एंड क्लास फोर के सिलेबस का पार्ट है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने प्रकार हैं और उन सब के भी डिफिनेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वचन, वचन किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से संज्ञा व क्रिया के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हमें संज्ञा के जिस रूप से पता चले कि वह चीज़ एक है या एक से अधिक है, उस रूप को, उस शब्द को हम वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उनके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। मीन्स जिस शब्द से हमें पता चले कि उस चीज़ की क्वांटिटी की संख्या एक ही है उसे हम एक वचन कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं। जैसे लड़का, कमल, केक, बादल, आँख आदि। अब बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उनमें कुछ चेंजेस करके अगर हम ये शो करते हैं कि उनकी जो संख्या है, उनकी जो काउंटिंग है, वो एक से ज़्यादा है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, बच्चे आदि। कुपट कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं और कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। तो ऐसे शब्द हैं हमारे जैसे सदैव एक वचन में रहने वाले शब्द आकाश, इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते। पानी, इसका भी हम बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे वैसे ही हवा, वर्षा आदि। अब जैसे हमारे सदैव एक वचन वाले शब्द हैं, वैसे ही सदैव बहुवचन वाले भी शब्द हैं जिनको हम कभी भी एक वचन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम एक वचन के रूप में कभी नहीं लिख सकते। वैसे शब्द हैं हमारे सदैव बहुवचन में रहने वाले प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर। लेकिन ये तो हो गए हमारे सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन वाले शब्द। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे बड़ों को या किसी और को आदर देने के लिए हम उन्हें बहुवचन के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। मीन्स आदर देने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे माताजी आए, माताजी आई। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है हम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हम अपने टीचर्स को, अपने अध्यापक को आदर देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, इसीलिए हम उस एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि आदर देने के लिए हम एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।